नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आवास बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपको आवास ऐप से आवेदन करना होगा। आपको आवेदन कैसे करना है इसके संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे लगातार। दोस्तों वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास ऐप के जरिए भी कर सकते हैं आवेदन, बैंक ही नहीं यहाँ से भी उठा सकते हैं फ़ायदा। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी। पहले इस योजना का नाम हाउसिंग फॉर ऑल था। 2022 तक 26 राज्यों के 2508 शहरों को इसके अंतर्गत लाने का टारगेट लगाया था। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए लोगों का अपने घर का सपना पूरा होता है। इस योजना के तहत सरकार लोगों के घर का पूरा सपना करती है, लोगों को सस्ती दर में लोन उपलब्ध करवाती है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। पहले इस योजना का नाम हाउसिंग फॉर ऑल था। 2022 तक 26 राज्यों के 2508 शहरों को इसके अंतर्गत लाने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों इस योजना के तहत मध्य आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के तहत लोन मुहैया कराए जाते हैं। यह योजना उनके लिए फ़ायदेमंद है जो अपने घर का सपना देखते हैं लेकिन वित्तीय हालातों की वजह से वो सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। यह योजना विशेषकर ग्रामीण आबादी जो कि कच्चे घर या बिना घर के रहती हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों यहाँ पर आगे है, इस योजना के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने आवास ऐप बनाई है। इस ऐप की सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने स्मार्टफोन की मदद से ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, इसे वेरीफाई करने के बाद आप इस ऐप के जरिए योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आवेदन बैंकों में जाकर अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि बैंकों के अलावा ऐसी और भी कई संस्थान हैं जिनमें जाकर आप इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको के जरिए भी इस योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वही और भी बहुत से संस्थान इस योजना का लाभ ग्राहकों तक पहुँचा रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपको आवास ऐप से यहाँ पर आवेदन कैसे करना है, आवास ऐप को आपको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसके लिए मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। दोस्तों आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं ये भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो की जानकारी दे पाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।